अफगानिस्तान में हौलनाक जलजिला, गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हलाकतों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई, 9000 अफराद जख्मी हो गए, मजीद हजारों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा, सैकड़ों इमारतें और घर तबाह हो गए, जिंदा जान और गौरियान अजला के 12 देहात मुकम्मल तबाह हो गए, मलबे से लोगों को निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरीकी जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले का मरकज हरात से 40 किलोमीटर शमाल मगरिब की जानिब था। जलजिले के बाद 3 आफ्टर शॉक्स भी आए। आफ्टर शॉक्स की शिद्दत 6.3, 5.9 और 5.5 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में जलजिले से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम अफगानिस्तान में तबाहकुन जलजिले पर शदीद गमजदा हैं। जाँ बहक होने वालों से ताज़ियत और जख्मियों की सेहत याबी के लिए दुआगो हैं। अफगान हुकाम के साथ राबते में हैं ताकि जलजिले से मुतासर होने वालों की फौरी जरूरियात का तखमीना लगाया जा सके। पाकिस्तान बहाली की कोशिशों में हर मुमकिन तआवुन फराहम करेगा। शहबाज शरीफ का कहना है कि जलजिले से होने वाली हलाकतों और जख्मियों के बारे में जानकर गहरा रंज हुआ। मेरी दिली ताज़ियत सोगवार खानदानों के साथ। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, अफगानिस्तान के मुतासर आवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अफगान आवाम से इजहार यकजहती। कहा, हर रात में तबाहकुन जलजले और नुकसान के बारे में सुनकर दिल दहल गया। हम मिलकर आवाम के जख्मों पर मरहम रख सकते हैं। शहर को दोबारा आबाद किया जा सकता है। गैर कानूनी मकीम गैर मुल्की बाशिंदों की वतन वापसी में 23 दिन बाकी। बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन की वतन वापसी का अमल जारी। पेशावर से 100 से ज्यादा अफगान खानदान तारखम के रास्ते अफगानिस्तान चले गए। बलोचिस्तान हुकूमत ने गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों का डेटा मुरतब करना शुरू कर दिया। जराए के मुताबिक 33,000 से ज्यादा अफराद का डेटा इकट्ठा किया गया। गैर कानूनी तौर पर मकीम तमाम गैर मुल्कियों को वतन वापस लौटने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन। 31 तारीख के बाद गैर कानूनी मकीम बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। गिरफ्तार करके सफारत खाने के जरिए डिपोर्ट किया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का फैसला हतमी है। वापसी में उन्हें हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान मीर अली का मर्दान में चमन जरगे से खिताब। कहा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन किसी एक कबीले या कौम से नहीं, मुल्क भर से गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी का फैसला किया है। इसका इतलाक तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद पर होगा। इस्तेहसाल या बदसलूकी के किसी भी मामले की फौरी तहकीकात की जाएंगी। उधर निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा, पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान मुहाजरीन का बोझ बर्दाश्त किया। जिनको पनाह दी वो एहसान फरामोशी कर रहे हैं। हमसाया मुल्क पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। तारकीन वतन का वापस जाना रियासती पॉलिसी है। बाइज्जत तरीके से वापस भेजेंगे। नवाज शरीफ की वापसी से पहले नून लीग की आवामी राबता मुहिम। नून लीग ने लाहौर में पंडाल सजा लिया। जलसा गाह में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। उधर मरियम नवाज ने सिंध के कारकुनों से खिताब में कहा, नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। सिंध के कारकुनों के साथ मीनार पाकिस्तान पर उनका इंतजार करूंगी। सिंधी टोपी और अजरक के साथ मीनार पाकिस्तान पर सकाफत के रंग बिखरेंगे। हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का सुनकर आवाम के हौसले बुलंद हो गए। कौम का इत्तेहाद, मुआशी बहाली और महंगाई से निजात नवाज शरीफ का मिशन है। हर मर्तबा गिरी हुई मईशत और कौमी वकार को नवाज शरीफ ने ही संभाला। तारीख गवाह है कि नवाज शरीफ ने कभी इंतकाम नहीं लिया। नवाज शरीफ गैर कानूनी तौर पर मुल्क से भाग कर नहीं गए। उनकी वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की आजादी है। तमाम जमातों को बराबर के मौके फराहम करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात होंगे। गैर कानूनी मकीम अफराद को रजाकाराना तौर पर वापस जाने के लिए 31 तारीख दी है। इंसानी हकूक के लेक्चर देने वाले पहले खुद अपना रिकॉर्ड चेक करें। पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का MQM से इलहाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आज छोड़ने का नहीं जोड़ने का दिन है। MQM से लोगों को झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए दूर करने की कोशिश की गई। जागीरदाराना निज़ाम के खात्मे तक पाकिस्तान अपना मकसद पूरा नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान को वोट देने वालों को मदद से बचाएंगे।
अब्दुल कादिर दीवान ने कहा कि एमक्यूएम का शाना बशाना साथ देंगे। जब तक निजाम दुरुस्त नहीं होगा इंसाफ नहीं होगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबरा परवेज खट्टर कहते हैं आवाम की खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। हमारे दौर में उलमाए कराम के लिए वजीफा मुकर्रर किया गया। हमारे दौर में आवाम को इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम की गई। आवाम के मसाइल का हल तरजीहात में शामिल है। जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना। हाफिज नईमुर रहमान की क्यादत में कारकुन रैली की सूरत में पहुंचे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक शुरका से खिताब करेंगे। फलस्तीनी भाइयों से इजहार एकजहती के लिए फलस्तीनी परचम भी लहरा दिए गए। तर्जुमान जमात इस्लामी कराची का कहना है कि धरना बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दिया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी का हाफिज नईमुर रहमान को टेलीफोन। धरने के शुरका के लिए हर मुमकिन तआवुन की पेशकश। वर्ल्ड कप के अहम मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के खिलाफ 199 रन पर ढेर। भारतीय बॉलर्स के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की एक न चली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ ने 46, डेविड वार्नर 41, मिचेल स्टार्क 28 और लेबुशीन ने 27 रन बनाए। रविंद्र जडेजा के 3, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के 2-2 शिकार। 200 रन के हदफ के ताकुब में भारत की बैटिंग जारी। कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन और एयर सिफर पर शरियासर सिफर पर आउट हो गए। बड़े इवेंट्स के लिए बड़ी तैयारियां। कौमी क्रिकेटर्स की राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स की, बैटिंग और बॉलिंग सेशन में हिस्सा लिया। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन कल भी जारी रहेगा। वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में पाकिस्तान मंगल के रोज श्रीलंका का सामना करेगी। यूरोपियन फुटबॉल लीग्स में बर्तरी की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। रियल मैड्रिड और एसी मिलान लीग्स में टॉप पर बराजमान। स्पेनिश डालेगा में रियल मैड्रिड ने ओसासोना को 4-0 से धूल चटा दी। इटालियन लीग में एसी मिलान ने आसाब शिकन मुकाबले के बाद जिनोवा को हरा दिया। जर्मन लीग में ब्रोशिया ने फतह का मजा चख लिया। यूनियन बर्लिन को 4-2 से हराकर दूसरी पोजिशन हासिल कर ली।